नाउ लाइव हर जुर्म का। अशोक ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक बड़ाव और बीजपुरा जा रहा है कि यहाँ पे लोग ग्राम सभा के लोग निवासी वहाँ पे आए हैं। आपका नाम क्या है? ये बताइए, ग्राम सभा में प्रधान जी काम वाम कराए हैं? कराए तो हैं। क्या क्या काम हुआ है? रोड का काम और सब जो कि आवास। अच्छा, आवास मिला है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। शौचालय मिला है? जी शौचालय मिला। और नाली वाली नाली खड़ा बना है उनके कार्यकाल लगा है। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र चौहान। आपके यहाँ जो नाली वाली जो बना हुआ है? नहीं, नाली नहीं बना है। नहीं। पानी कैसे निकासी होती है? नाली अभी जिधर उधर बहता है। समस्या एक बताइए, आपकी समस्या क्या है? रोड बन गया है ग्राम सभा में, आवास वास नहीं मिला। अच्छा, आपका नाम क्या है? राणा जी सुकर्मा। क्या यहाँ पे क्या समस्या क्या है ग्राम सभा में? यहाँ समस्या सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, रोड बना है, कुछ जो भी आकी बाकी था टकरोट सब फेंक दिया गया है। लोग जो खड़े हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजपुरा ग्राम सभा, बीजपुरा और ब्लॉक बढ़ाओ। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है नालियों की बहुत काफ़ी समस्या आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पर पानी की समस्या थी बनवाने की, वहाँ पर तो नाली बनवा दी गई, लेकिन जहाँ पर पानी बहने की समस्या नहीं है जी, वहाँ पर नहीं बन पाई। सर, यहाँ पे देखा जाए बहुत लोगों को खपड़ेल है, जिसमें पानी रात में बारिश होती है तो चूता है, लोग शौचालय नहीं मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शौचालय तो हम अपने समय में जो है कि 170 रुपये के आसपास शौचालय दे दिए। जो लोग मौके पर थे उनका मिल चुका है, जो लोग बाहर थे उनका जो है कि आधार कार्ड नहीं उपलब्ध हो पाया, नहीं हो पाया। सर, कितने लोग को शौचालय दिया गया आपके थ्रू? करीबन 170। और कितने लोग की अभी सूची जा रही है? कितने लोगों को दिया गया आवास? तो हमारे टाइम में 3 लोगों का पहले का दिया गया है, और इस टाइम जो है कि जो सूची बनी है इसमें से मात्र 5 का ही पास हुआ, 114 में। अच्छा, जो लोग जो अधूरे पड़े हुए हैं आपके कार्यकाल में, क्या 114 नाम दिया गया? उन लोगों का जो है कि फिर दोबारा ISB साहब से हमने जांच करवाया है, उसमें से 20 लोगों का और अतिरिक्त में पास किया है। ठीक है, जो आपके जो कार्यकाल में जो इन लोगों को जो है मिल जाएगा, अब देखिए कार्यकाल कब तक चलेगा इसको। अच्छा, ये आपके जो है यहाँ जो कायाकल्प तहत जो कार्य किया हुआ है जी, कायाकल्प के तहत आपने कार्य क्या करवाया? जूनियर प्राथमिक विद्यालय का जो है कार्यकल्प का कार्य है। जूनियर स्कूल में 23 शौचालय और जो है कि उसका रंगाई पुताई का कार्य कराया गया है, और उसमें पौधे वौधे भी कुछ लगवाए गए हैं। अच्छा, सुंदरीकरण यानी कराया गया? सुंदरीकरण कराया गया, गेट भी लगाना, गेट भी जो है कि नया लगाया गया। अच्छा सर, रोड आपने अपने ग्राम सभा में कितने बनवाए? रोड तो हम जानते हैं कि 1500 मीटर जो है कि रोड लगवाए। अच्छा ठीक, बताइए कि आप जो 1500 मीटर खड़ंजा लगा है, करीबन 750 मीटर जो है इंटरलॉकिंग का कार्य। अच्छा, देखा जा रहा है कि चुनाव भी नज़दीक आ गया है, आपके जो क्षेत्र जो है पूरा जो है, आपने अपने कार्यकाल में जो भी काम कराए हैं, वह देखा जा रहा है कि जो समस्या जो ये पानी का निकास न होने के कारण, आप लोगों को किस तरह जागृत दिलाएंगे? अब इसके लिए तो कुछ प्रशासन से हेल्प कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे लिए ज़मीन नहीं है पर्याप्त यहाँ की जो है कहीं खुदवा कर पानी का निकास कराया है। अच्छा, ये बताइए कि आप राजनीति में कब से आए? राजनीति में हम तो 2016 से ही 2016 से राजनीति में आए जी। अच्छा, अभी जो चुनाव आने वाला है, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है रोड नाली आवास, गांव का विकास जी। ग्राम सभा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि गरीब जो है, प्रधान जी ने जो आवास दिलाने के लिए ये लोगों का जो प्रयत्न किया, अपना नाम जो है इन लोगों का सूची में नाम डाला, यहाँ पे जो है देखा जा रहा है कि सूची में से ये कई घर इस तरह पड़ा हुआ है, और बहुत काफ़ी दिनों से जो ये पात्र हैं, जो देखा जा रहा है कटरेन की मकान है, और यह जो किस तरह से अपना लोग गुजर बसर करते होंगे। गांव ब्लॉक के ADO पंचायत सहायक सहायक ने ये